नमस्कार, मैं पासाराम धतरवाल आज उकलाना हल्के के गांव बिठोंडा में पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सिलवाल, यहां पर एक सुबह तो बोला गया था जो इन्होंने टूर प्रोग्राम जारी किया था कि चाय के प्रोग्राम है, लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं कि एक जनसभा में यहां पर हर प्रोग्राम बदलता जा रहा है। विधायक जी, पहले ये कन्फर्म करिए, आप यहां जनसभा कर रहे हैं, चाय प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, वैसे तो हमारे चाय के प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से जनता का कांग्रेस पार्टी के की तरफ अब रुझान बढ़ रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आंधी चल रही है। हर कोई हुड्डा साहब के द्वारा किए गए कामों को याद कर रहा है, और आज जो बिठवाड़ा के हमारे प्रोग्राम थे, सुबह हमने स्टार्ट किए थे 9 बजे से, अब जो है मेरे ख्याल में कितना टाइम हो गया, 3:45 बज गए। अलग अलग समाज का पहले जो है शुरुआत से ही अलग अलग समाजों के, चाहे पत्थर पत्ती हो, दत्तरवाल पत्ती हो, सराउत पत्ती हो, जांगड़ा परिवार का, सैम समाज का, सेलवाल परिवार का, सोडी परिवार का, अभी ये बाल्मीक समाज का, और इससे अगला हमारा चौहान परिवार का, पूरे के पूरे परिवारों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। मैं पूरे बिठवाड़ा गांव का अलग अलग मतलब जाति वाइज परिवार वाइज समर्थन करने पर धन्यवाद करता हूं, लोगों ने जो कांग्रेस में आस्था जताई है। मैं चाहता हूं कि जो जिस प्रकार का माहौल आज उकलाना हल्के में बना है, उससे ये क्लियर है कि उकलाना की सीट हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनने जा रही है। नरेश सिलवाल जी, आप सुबह 10 बजे गांव बिठोंडा में पहुंचे, 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टरों का काफिला, उसके बाद गाड़ियों का काफिला, आगे बाइकों का काफिला, बहुत कुछ बोल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बिठोंडा में दिखाई दिया या पूरे हल्के में? पूरे हल्के में, बिठोंडा मेरा अपना गांव है, वैसे पूरे हल्के में एक से बढ़कर एक गांव, कोई ट्रैक्टर के काफिले में, कोई गाड़ियों के साथ, कोई ढोल नगाड़ों के साथ। मैं समझता हूं कि पूरे हल्के के आज जो है, पूरे हल्के ने मेरा बड़ा भारी जन समर्थन दिया है, क्योंकि जो 10 साल का शासन बीजेपी का रहा है, उसमें ना तो गरीबों को कुछ मिला, गरीबों को जो स्कीमें पहले मिलती थी कांग्रेस के समय, वो सारी योजनाएं बंद है। किसान को आज फसल का भाव नहीं मिलता, पोर्टल की ये सरकार है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो आज लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो इस सरकार से सब बेहाल है। युवा आज नौकरी के लिए तरस रहा है, हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो पद खाली पड़े हैं, युवाओं को कच्ची नौकरियां दी गई कौशल रोजगार की, कौशल रोजगार के तहत SC BC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ जनता में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति रोष है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग 36 बिरादरी का नेता मान चुके हैं, और हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में अगली कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। सिलवाल जी, एक बात बताइए, जिस तरह से एक चुनावी माहौल आपके पक्ष में बना है, अब ये तो लग ही नहीं रहा है चुनाव चल रहा है, एक तरह से जो आपका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, ये लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो धन्यवादी दौर होता है, उस स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, ऐसा क्या किया आपने कि पूरी जनता, पूरी उकलाना हल्का की जनता का प्रेम प्यार इतना आशीर्वाद मिला? एक तो पहली बात तो ये कांग्रेस की जो आवाहादी चल रही पूरे हरियाणा में, मैं कई बार कह चुका हूँ हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा परिवर्तन चाहता है, और जो दूसरी बात है बीजेपी की 10 साल की नकारा सरकार, लोगों में रोष है, और मेरा जो है 20 साल से लोगों के बीच में जुड़ाव, 5 साल मेरी धर्मपत्नी पुष्पलता जी जिला परिषद रह चुकी है, 5 साल मैं विधायक रह चुका हूँ, 10 साल तो मैंने पोस्ट पे रहते हुए काम किया राजनीति में, 10 साल मैंने अब पिछले जो है विपक्ष में जनता की आवाज उठाने का काम किया, किसानों की आवाज मैंने उठाई, मजदूर की मैंने उठाई, कर्मचारियों की मैंने उठाई, हर जगह हर किसी का जो है मोर्चा संभालने का काम किया, वही कारण है कि आज हर वर्ग जो है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा। सिलवाल जी, अगर यहाँ पर हार जीत की बात करें, तो हार जीत की बात से आप काफी आगे निकल चुके हो, शायद वो हार जीत की बात रखें तो कोई मायने नहीं रखेगी, अब आपके मार्जिन की बात हो रही है, सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार आपको कहीं ना कहीं 50 से 60 हजार के बीच जो मार्जिन दिखा रहा है, जीत दिखा रहा है, जो आम लोग हैं आपके समर्थक हैं उकलाना हल्के की जनता की बात करें, वो 70 हजार पार करके बात कर रहे हैं, आपका क्या दावा जी? देखिए, ज़्यादा तो मेरा काम है लोगों से वोट मांगना, हाथ जोड़ के वोट की अपील करना,
ये तो जनता ही बताएगी कितना रिकॉर्ड तोड़ेगी। आपकी जो पार्टी के बड़े नेता हैं आज हरियाणा में स्थिति बन चुकी है, वो भी उकलाना हल्के की जनता की बात कर रहे हैं जीत की मार्जिन की, कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर जीत की मार्जिन होगा तो नरेश हलवाल का होगा। ये जनता का प्यार है जो मेरे प्रति जो लोगों ने इतनी सहानुभूति दिखाई है, जनता ने मुझे सर आंखों पे बिठाया, उसके लिए मैं उकलाना के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मैं धन्यवादी हूँ। और मैं अपील करता हूँ 26 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी बरवाला के अंदर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। सभी साथियों से अपील है वहाँ पहुंचकर हमारे प्रिय नेताओं के विचार जरूर सुने। सेलवाल जी, उकलाना हल्के की बात करें तो जाट बाहुल्य इलाका ही है, एक तरफ जहां बीसी वोट था, एससी वोट था, वो कांग्रेस के साथ पहले था, और अब जाट वोट की बैंक की बात करें तो वो पूरा अब कांग्रेस में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल, जाट वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ है। 36 बिरादरी का वोट मैंने आपको अभी बताया, सैन समाज का, जांगड़ा समाज का, ब्राह्मण समाज का, अलग अलग सेलवाल परिवार का, सोडी परिवार, चौहान परिवार, वाल्मीकि परिवार, सब ने अलग अलग दलों ने मेरा समर्थन किया। मैं समझता हूँ 36 बिरादरी आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सेलवाल जी, एक बात बताइए, आखिरी बात है, आप जमानत बचने लायक विपक्ष को छोड़ेंगे भी या नहीं? सबकी जमानत जब्त होगी। नरेश से हमने ये बातचीत की, किस तरह का उनका चुनावी माहौल चला हुआ है, और यहाँ पर आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 2 किलोमीटर का काफिला उनके साथ चल रहा है, वो चाय के प्रोग्राम देते हैं जो जनसभा में तब्दील होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये देखने को मिल रहा है कि उकलाना में एक तरफा चुनावी माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन चुका है, और शायद हरियाणा में जो सबसे मार्जिन होगा, सबसे ज्यादा जीत होगी, वो उकलाना हल्के में बनने जा रही है, और उकलाना हल्के की जनता ने नरेश सेलवाल को सिर आंखों पर बिठा लिया है। धन्यवाद।